हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई स्वागत है आप सबका हमारे माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे वर्ल्ड की न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस वर्ल्ड में मैं जैसे स्पॉन हुआ, मैंने देखा कि सामने पेड़ पड़ा हुआ है, तो यार फटाफट से जाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। भाई फटाफट से अपने वुडन टूल्स बनाते हैं। तो यार सामने पेड़ पड़ा है, फटाफट से जाता हूँ, वुड इकट्ठा करता हूँ। और ये मैं वुड इकट्ठा करना स्टार्ट कर चुका हूँ। ये माइन हो गया एक, और ये दूसरे को भी फटाफट से माइन कर लेते हैं। और ये भाई हमारा दूसरा हो गया, तीसरा। मैं टोटल एक काम करता हूँ, छः ले लेता हूँ। हाँ यार छः बहुत हो जाएगी, फिर छः ले लेता हूँ। अभी कितना, तीन हुआ, ये चार, और ये पाँचवा, और ये सिक्स। तो गाइस अभी ये, और हाँ चलो भाई सिक्स बहुत हो गए। अभी फटाफट से इनके बनाते हैं प्लैंक्स, ये रख दिए और ये बन गए प्लैंक्स। और फटाफट से बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। चलो भाई क्राफ्टिंग टेबल बन गया, क्राफ्टिंग टेबल को इधर रख देता हूँ। और भाई क्राफ्टिंग टेबल से बनाएंगे थोड़ी सी स्टिक्स, क्योंकि स्टिक्स से मैं बनाऊंगा अपने लिए। देखो भाई खुद ही देख लो, एक बनाऊंगा एक वुडन एक्स, और अभी एक बनाऊंगा एक चमचमाती पिक एक्स। तो यार ये दो बहुत हो गए। अभी फटाफट से भाई ये क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते और निकलते एक विलेज की तलाश में, क्योंकि भाई विलेज में मैंने सुना है काफ़ी अच्छी खासी लूट मिलती है। तो फटाफट से मैं विलेज ढूंढता हूँ। तो यार चलो अभी घूमते, पहले इसके ऊपर चढ़ के देखते यार। हाँ भाई ये काम करते, पहले खाना इकट्ठा कर लूँ। एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो भाई काफ़ी सारा खाना मिल गया मेरे को अभी बहुत। तभी मैं विलेज तो मेरे को मिल तो नहीं रहा यार, मैं एक काम करता ढूंढते रहता हूँ। मेरे को जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इधर भी नहीं है, एक थोड़ा दूर होगा यार, पर बाकी गाइस एरिया काफ़ी अच्छा है। मतलब घर भी बना होगा भाई, इसी वीडियो में बनाएगा। और भाई ये क्या भाई, भाई तो लंबी सी केव है यार। नहीं इधर कुछ नहीं है अपना काम का। A little longer than a few minutes later. तो गाइस काफ़ी देर बाद मुझे फाइनली सामने एक विलेज देखने को मिल चुका है। तो यार फटाफट से चलते विलेज में, और जितना भी लूट होगा मैं सारा लूट इकट्ठा करने वाला हूँ। मैं तो यार गाइस काफ़ी एक्साइटेड होने वाला हूँ कि विलेज में क्या लूट होगी। तो गाइस विलेज में सबसे आने से पहले मैं पहले क्राफ्टिंग टेबल लगता हूँ, और फटाफट से अपने लिए स्टिक्स बनाता हूँ। और स्टिक्स से मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक हो, कि हो से मैं इकट्ठा करने वाला हूँ जितना भी सारा है विलेज में, सब ले लूँगा यार। अपने पास अभी खाने की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फटाफट से बना ले हो, और वुड सारी इकट्ठा, वुड गया यार, हेबल इकट्ठा कर लेता हूँ फटाफट से। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और भाई एक अंदर पड़ा है उसको भी इकट्ठा करता हूँ। उससे पहले मेरे को क्राफ्टिंग टेबल हटा देता हूँ यहाँ से। चलो भाई क्राफ्टिंग टेबल ले लिया इन्वेंट्री में, और फटाफट से अंदर जाता हूँ। और ये इकट्ठा कर लिया हमने हमारा हेबल और पिक्स, सॉरी पिक्स मेरे को तुम्हें मारना पड़ा। ये ले भाई, ये ले, तू भी ले भाई, तू क्यों बचा है, तू भी जा। चलो भाई बहुत सारा खाना हो गया। और गाइस मैंने ना पूरे विलेज में लूट देख लिया, मतलब किसी घर में चेस्ट ही नहीं है भाई, लिटरली चेस्ट ही नहीं बची है। तो यार मैंने सिंपली से अभी नीचे जाते, फर्स्ट क्लास में बेड पड़ा हुआ तो यार फटाफट से बेड उठा लेता हूँ, काम आएगा अपने लिए। और भाई ये जैसे देख सकते हो नल्ले विलेजर है जिनके पास कुछ नहीं है, सामने और हेबल्स पड़े हुए हैं। तो फटाफट से मैं हेबल ले लेता हूँ यार, मेरे हंगर बार भी काफ़ी कम हो गए, मेरे को फटाफट से ब्रेड बनानी पड़ेगी। तो यार ये भी ले कट कट का कर लिया, और ये भी ले लेते हैं फटाफट से सारा जितना भी भाई, सब लूटने वालों में तो पूरा इनको पूरा बेरोजगारी करने वालों आज तो। तो ये भी ले लिया। चलो भाई क्राफ्टिंग टेबल लगता हूँ फटाफट से, हे बेल से बना लिए मैंने बहुत सारे वीट्स, और वीट्स को अभी मैं बनाने वाला हूँ काफ़ी सारे ब्रेड। कम से कम लगभग एक स्टैक हो गया भाई, नहीं लगभग नहीं भाई, पूरी एक ही स्टैक हुई है। फटाफट से भाई खा लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ भी काफ़ी कम हो चुकी थी। चलो भाई अपनी हेल्थ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। और यार अभी विलेज में तो कुछ ढंग का हमें मिला नहीं, तो हमें किधर और ही जाना पड़ेगा यार। किधर जाओ, मैं तो विलेज से उम्मीद लेके आया था यार। कोई नहीं आगे चलते, देखते यार थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते। बस ये मेरे को मालूम है कि घर में कुछ नहीं है, ये खाली बेल रखी हुई है यार। जाओ तुम लोग भाई अपने घर में ही जाओ, कुछ काम धंधा है नहीं इनके पास। और ये भाई कैट, मेरे को कैट को मारने का बहुत मन हो रहा है, पता नहीं क्यों पर मेरे को मारनी है, पर ये भाग गई तो छोड़ो। मैं सोच रहा हूँ यार गाइस अपना घर में उस साइड में बनाओ, पर उससे पहले यार एक चीज़ मिसिंग हो रही है, वो है आयरन गोलम, और मेरे को ये दिख चुका है। तो यार अभी ये पीटेगा मेरे हाथों से बहुत बेकार वाला। उससे पहले मेरे पास कुछ ब्लॉक्स है नहीं, तो मैं फटाफट से भाई थोड़ी सी डर्ट इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको भाई ऊपर से मारूंगा, ऐसे मारूंगा तो ये मेरे को लपेट लेगा। तो फटाफट से, हाँ चलो भाई बहुत हो गई, अभी फटाफट से इसके सामने जाता हूँ। एक, दो, तीन, चार, और ये ले मार खाते बैठ बैठे, ये ले एक। तो यार पूरा आयरन गोलम को मैंने मार दिया है, और ये इसकी यादों में हमको मिले भाई पांच आयरन। यार क्या ही लक है अपना, पांच आयरन मिले, पहली बार मेरे को इतने ज़्यादा आयरन मिले। और इससे मेरे को दो फ्लावर मिले पॉपी वाले, जो इसकी याद में मैं इधर ही लगाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो यार फटाफट से लगा देता हूँ इसके ऊपर ही, रेस्ट इन पीस आयरन गोलम। किधर लगाओ, हाँ ठीक है चलो इधर दोनों लगवा दिए।
और यार मेरे को ना याद आया कि भाई अभी तक मेरे पास वुडन टूल्स ही, मैंने स्टोन टूल्स में अपग्रेड हुआ है नहीं, तो मेरे को नीचे थोड़े से स्टोन्स दिख रहे, इकट्ठा कर लेता हूँ फटाफट से इकट्ठा करता हूँ। और ना गाइस मेरे को ना अभी घर के लिए भी काफ़ी सारे स्टोन इकट्ठा करने, तो मैं बहुत सारे स्टोन इकट्ठा करने वाला हूँ अपने लिए। तो गाइस अभी ना मैं स्टोन इकट्ठा करते ना काफ़ी सारी रात हो गई, तो मैं फटाफट बस स्टिक लेता हूँ और अपने लिए पहले एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ। आयरन की मैं फिलहाल थोड़ी बाद में बनाऊंगा, स्टोन पिकेक्स लेते और फिर से थोड़ी सी माइनिंग कर लेता हूँ इस साइड में। यार मैं थोड़ा सा एक एरिया खाली कर लेता हूँ। वैसे एक नहीं काम करो, मेरे पास बेड है, एक काम करो पहले कोल लेता हूँ मैं, मेरे को खाना पकाना है अपना। मेरे पास कुछ रॉ बीफ पड़ा है उसको पका लेता हूँ। ये यार या फिर काफ़ी सारा नहीं, मतलब ठीक ठाक ही कोल था यार, ज़्यादा भी नहीं यार, ये तो शुरू ही ख़त्म हो गया भाई, चार ही कोल है यहाँ पर। ठीक है कोई नहीं, फटाफट से बाहर जाता हूँ, एक फर्नेस बनाता हूँ अपने लिए पहले। ये सारे हैं मेरे पास कॉबल स्टोन और ये बनाए मैंने फर्नेस। अब फर्नेस रखता हूँ मैं भाई इस साइड में, इसके अंदर डालता हूँ सारे अपना कोल और ये सारा अपना खाना पक रहा है, तब तक के लिए मैं सो जाता हूँ। गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और मैं सोच रहा हूँ गाइस हमने अभी ना घर के लिए मैं सारा रिसोर्सेज इकट्ठा करने वाला हूँ, तो फटाफट से मेरे पास ना अभी जितनी भी मतलब ये पिकेक्स बनाते जाऊँगा, स्टोन इकट्ठा करते जाऊँगा, तो आप लोग ना देखते जाओ काफ़ी ज़्यादा अभी इकट्ठा करने वाला हूँ। ये बीच में मेरे को थोड़ा कोल भी मिल गया, तो फटाफट से ये भी माइन कर लेता हूँ मैं, बहुत सारा यार। तो गाइस मैं ऐसा माइन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, एक काम करना मैं ना सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करता हूँ फिर आपको बोलता हूँ। A few inches later. तो गाइस अभी ना मैंने लगभग ना पूरा भाई इधर तो एक टाइप से ना मैंने केव बना दी है, यहाँ पर थोड़ा कोल बचा हुआ वो ले लेता हूँ काफ़ी सारा, क्योंकि मेरे को अभी कोल की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होने वाली है। तो गाइस मैंने लगभग ना इतना माइन किया कि मैं ना सब ना स्टोन पिकेक से मैंने माइन किया, जितनी भी अभी तक मैंने चीज़ें बनाई सब स्टोन पिकेक से। मेरी ब्रेड भी लगभग 30 ख़त्म हो गई है, 64 लाया था मैंने, तो उसमें ब्रेड भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और ये मेरे पास ये स्टोन पिकेक से, इससे मैं पहले सारा कोल इकट्ठा कर लेता हूँ। मैंने अभी तक ना आयरन है मेरे पास, पर मैंने आयरन की पिकेक से नहीं बनाई, तो फटाफट से स्टोन माइन कर लेता हूँ यार। स्टोन क्या यार, ये अपना कोल माइन कर लेता हूँ। और ये बाजू में भाई ड्रिप स्टोन पड़ा हुआ है, ड्रिप स्टोन के ब्लॉक्स है, हाँ शायद वही है, तो ये भी इकट्ठा कर लेता हूँ। और ये भी इकट्ठा करो भाई, बहुत सारा कोल है और मेरे को कोल की अभी है बहुत सारी कमी, क्योंकि मेरे को आगे जाके इनके स्टोन ब्रिक्स बनाने हैं, तो मेरे को कोल की बहुत ज़रूरत होने वाली है। फटाफट से भाई माइन करते ये भी, और ये शायद आखिरी बचा हुआ है, तो चलो यार ये भी इकट्ठा करते। और ये एक इधर रह गया यार, इसको भी ले लो। चलो भाई अभी यहाँ से चलते सीधा ऊपर। तो भाई आप देख सकते हो मैंने कितना सारा माइन किया है, इतनी सारी अंदर से ग्राइंडिंग की है, पूरा लगभग पूरा एक टाइप से केव ही बना दी मैंने तो इसको। चलो भाई कोई नहीं, और यहाँ पर एक आयरन पड़ा हुआ है, और चलो भाई कितना एक ही आयरन भाई, क्या ही गरीबी दिन है। चलो कोई नहीं, फटाफट से सारा खाना लेता हूँ और इसके अंदर पकाने डाल देता हूँ ये एक आयरन। और सबसे पहले मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक डायमंड, ये अपनी आयरन की एक्स, पर उसके पहले मेरे पास स्टिक्स मेरे पास है, तो चलो फटाफट से बना लेता हूँ एक आयरन पिकैक्स। ये बन गई मेरी फर्स्ट आयरन पिकैक्स, और अभी मेरे को बनानी है आयरन की एक्स, उसके पहले मेरे पास स्टिक्स नहीं है तो वो स्टिक इकट्ठा करनी पड़ी। ये रहा बाजू में पेड़, फटाफट से यहाँ से काट लेता हूँ। तो यार कोई नहीं, ये एक काट लिया, चलो यार दो काफ़ी हो गए, अभी इनसे फटाफट से बनाता हूँ प्लैंक्स। और यार प्लैंक अच्छा हाँ इसे बन गए प्लैंक्स, और प्लैंक से मैंने बनाई बहुत सारी स्टिक्स, मतलब बहुत सारी नहीं थोड़ी बनाई, तो अभी फटाफट से रखता हूँ स्टिक। और मेरे पास यार दो ही है, एक आयरन इसके अंदर मिल गया, चलो भाई तीन हो गए। अभी मैं बनाऊँगा अपने लिए आयरन की एक्स, तो ये रख दिया आयरन और ये रखी स्टिक, और ये बन गया मेरा आयरन एक्स। चलो भाई हो गया अपना काम, अभी फटाफट से भाई यहाँ से चलते हैं, कौन सी अच्छी जगह पर चलेंगे वहाँ पर अपना घर बिल्ड करेंगे। ये तोड़ दिया अपना माइनक्राफ्ट, हमें ये क्या बोलते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और ये फर्नेस तोड़ दिया, अभी चलते हैं भाई किधर और जगह। तो गाइस मैंने एक जगह डिसाइड कर ली ये वाली, तो यार मेरे को ना काफ़ी अच्छी लग रही है जगह, तो यार मैं पहले सबसे पहले मैं अपना घर ही इधर ही बनाने वाला हूँ। तो यार मेरे पास देखो इतना सारा सामान है, मैंने लगभग बहुत ही सारा वुड भी इकट्ठा की मैंने बाद में, तो वुड इकट्ठा करने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, रात हो गई, सबसे पहले सो जाता हूँ मैं यार। हाँ चलो भाई ठीक है गाइस, चलो सुबह हो गई है गाइस, तो मैं अपना घर इधर ही बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं ना एक क्राफ्टिंग टेबल इधर रख लेता हूँ, और क्राफ्टिंग टेबल में सबसे पहले बनाता हूँ एक मैं चेस्ट बना लेता हूँ यार चेस्ट। अरे यार मेरे पास वुड कम पड़ रहे, वो थोड़ा और प्लैंक्स बनाने पड़ेगा क्या? हाँ अरे रेसिपी देख लेता हूँ। हाँ यार गाइस मेरे पास वुड कम पड़ रहे, थोड़े प्लैंक कम पड़ रहे, तो फटाफट से मैं थोड़े प्लैंक्स बना लेता हूँ। चलो यार इतने बहुत हो गए, अभी फटाफट से एक चेस्ट बना लेते हैं, और ये बन गई एक चेस्ट। इसके अंदर मैं सारा अनवांटेड चीज़ रखने वाला हूँ, जैसे कि पहले तो मैं सब नहीं ये रख देता हूँ अपना कॉबल स्टोन रख देता हूँ। चलो भाई जो जो काम की चीज़ें पहले वो रख देता हूँ अंदर, जो चीज़ें भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अभी मैं ना एक बार ऊपर थोड़ा सा हाइट में जाता हूँ और थोड़ा सा ना देख लेता हूँ,
मैं हाइट में कौन से एंगल से देखूँ इसको? यहाँ पर बाजू में देखो लावा पुल भी पड़ा हुआ है, तो नेदर में जाने के लिए भी अपने को काम आएगा। पहले से मैं ये सब फालतू सामान फेंक देता हूँ, ये स्टोन के आइटम और ये वुडन के आइटम फेंक दिए, सीड भी फेंक दो, कोई काम का नहीं है। चलो भाई फर्नेस साथ में रख लेता हूँ, फर्नेस भी रख देता हूँ मैं अपने चेस्ट के इधर रख देता हूँ, और ये मैं रख देता हूँ इधर। चलो यार सब कुछ सॉर्टेड है, अपने पास सारा रिसोर्स भी पड़ा हुआ है, तो बनाना स्टार्ट कर। उससे पहले मैं थोड़ा एक बार ना ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ, मतलब एंगल कौन सा सही रहेगा। तो यार इस साइड में लावा पूल, इस साइड में ये, तो हाँ गाइस अपने लिए शायद नहीं, ये वाला भी नहीं यार, हाँ ये एंगल शायद तक सही मेरे लिए। चलो यार यहाँ से घर बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ, फटाफट से नीचे उतर जाता हूँ पहले। चलो नीचे उतर गया फटाफट से, मैं चेस्ट में से अपना सारा सामान निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं घर बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ, तब तक ले आप थोड़ा इन्जॉय करो, घर बनाने का काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। अगर मैं वो भी पार्ट आपको दिखाऊंगा तो आप बहुत सारे ही बोर हो जाओगे। एक बार मैं फिर से ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ यार, मतलब ऐसे एंगल से बना होगा। इस साइड में बनाओ, नहीं यार इस साइड में नहीं, हाँ ये वाली साइड ठीक है यार थोड़ी। तो चलो इस साइड में हम लोग भाई हमारा घर बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। चलो भाई पहले नीचे उतर जाता हूँ, चलो इसी उतर जाता हूँ। तो गाइस आपको मेरा घर कैसा अच्छा लगा या गंदा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसको 10 में से आप कितनी रेटिंग दोगे वो भी मेरे को बताना। तो गाइस फाइनली मेरा कुछ घर इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है, तो यार मेरे को तो यार देखने में काफ़ी मस्त सा लग रहा है। और गाइस मेरी ना एक छोटी सी गलती हो गई, मतलब जो रिप्ले मोड में जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ढंग से, उसके लिए यार रियली सॉरी। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक पास क्या क्या रिसोर्सेज पड़े, देखो गाइस मेरे इतने सारे रिसोर्स पड़े हुए, मेरा मतलब बीच में बहुत माइंड को गया। और भाई यार मुझे दो पल के लगा भाई ये स्पाइडर मेरे को मारने आ रहा है यार, अभी तो दिन हो रहा है ये मार कैसे सकता है, नहीं नहीं शायद अपने को नहीं मारेगा। हाँ तो गाइस देखो मैंने ना इतने सारे रिसोर्स इकट्ठे करे, मेरे पास 20 आयरन के इंगट है, तब फटाफट से मैं यार सारे इंगट ले लेता हूँ, और इसके अंदर भी काफ़ी सारी वुड है, सैंड है, और मैंने इतने सारे फर्नेस बनाए थे जिनके अंदर बहुत सारे कोल है, और मैं एक्सपी भी 25 के हो गए, इसके अंदर भी बहुत सारी वुड है। और यार इसके अंदर मैं थोड़े से यार ले लेता हूँ हेवेल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी सी ब्रेड बनानी है, और मैं क्राफ्टिंग टेबल घर के अंदर है, तो फटाफट से चलो घर के अंदर चलते हैं। गाइस देखो घर अभी एकदम खाली खाली है भाई, धीरे धीरे भाई मस्त घर को भी डेकोरेट करेंगे भाई, वो सब अगली वीडियो में करेंगे। तो यार मैंने क्राफ्टिंग टेबल इधर रखा था, हाँ ये रखा टेबल, फटाफट से भाई इसके अंदर सारे हेवल से वीट बना लेते हैं, और ये बन गई बहुत सारी ब्रेड, और ये थोड़े और बचे हुए इन सब के भी बना लेता हूँ, इसको रखा ऐसा और इन सबको भी रख दिया ऐसा, और ये बन गए भाई हमारी इतनी सारी ब्रेड। फटाफट से चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरे को अभी बहुत कुछ काम करना है, माइनिंग पे भी जाना है, अपने लिए आयरन का आर्मर भी बिल्ड करना है। और अरे भाई नहीं भाई तू घर में मत फूटियो भाई, नहीं तो भाई इतनी मुश्किल से मैंने घर बनाया है यार, नहीं मैं तो पूरा घर बिगाड़ देगा यार, नीचे आ तो नीचे आ जा, नीचे आके मेरे पास फूट जा, पर घर में मत फूटियो, नीचे गिर। चलो भाई आ गया नीचे भाई, तो इधर साइड में भाई मेरे पास कुछ है भी नहीं, इसको कैसे मारूँ, इसको शवल से मारना पड़ेगा यार, तो थोड़ा सा दूर आ जा, मेरे घर के सामने फूटा ना भाई, तेरा पूरा खानदान ले ही ले तेरी भैंस की यार, जब से देख रहा हूँ दिमाग खा रहा है, ये ले फूटना मत भाई, फूटा ना तो तेरे को भाई इतना बेकार वाला मारूंगा, ये ले कहा तुम्हारी जा। चलो यार तो यार देखो गाइस मेरा घर इतना मस्त बना, अगर ये अंदर फूट जाता ना भाई मैं इन सब क्रीपर की भाई दुनिया हिला देता, और भाई क्रीपर का तो पता नहीं, पर मेरे घर के बाहर ना इतने सारे स्पाइडर स्पॉन हो रुके यार, मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है, कब सिंह की आवाज़ आई जा रही है आई जा रही है यार। एक तो मैं पहले बाहर चलता हूँ, मेरे स्टिक नहीं लाया, स्टिक क्यों लेने जा रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल ही नीचे ले चलता हूँ यार, तोड़ो इसको फटाफट से, तोड़ता हूँ इसको और यार क्राफ्टिंग टेबल लेता हूँ, और फटाफट से भाई नीचे जाता हूँ पहले। चलो यहाँ से नीचे जाता हूँ, और ये खुदा ये लिया फॉल डैमेज, कोई बात नहीं, ये रख दिया क्राफ्टिंग टेबल हाथ में, और रख देता हूँ इसको इधर ही। तो यार अभी मैं सोच रहा हूँ स्टिक्स में बस है कि नहीं, पहले देख लेता हूँ सब में, नहीं यार स्टिक इसमें भी नहीं है, इसमें भी लगभग एक ही, अरे एक ही पड़ी है लगभग क्या। चलो मैं पहले थोड़ी सी स्टिक्स बना देता हूँ, थोड़ी सी स्टेम में, थोड़ी ज़्यादा नहीं बना होगा, इतनी बना होगा,
चलो स्टिक रख दी। अब मैं बनाऊंगा इससे एक एक्स, क्योंकि एक्स में बीच में बहुत सारे टूट गए थे, एक्स बन गया। और मेरे पास पिक एक्स तो अभी तो फिलहाल न्यू ही बनाई मैंने, और एक मेरे लिए बनाना पड़ा वो सॉर्ड, ये बन गई मेरे लिए सॉर्ड। और फटाफट से बनाता हूँ एक शील्ड, नहीं बनी। अच्छा शील्ड की रेसिपी क्या है यार, वो रेसिपी याद नहीं आ रही शील्ड की। अरे यार बाजू में तो लगी हुई है, बाजू से एक बार चेक कर लेता हूँ आ गई शील्ड। हाँ ये थी। अच्छा तो ऐसी बनती क्या, ओके तो हमारी शील्ड भी बन के रेडी हो चुकी है। तो यार अपने पास अभी तक 14 आयरन और बचा हुआ है ना, है ना। हाँ पहले शील्ड पहन लो। हाँ 14 आयरन है मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ थोड़ा आर्मर चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ एक। चलो यार चेस्ट प्लेट बन गया, और क्या बनाता हूँ, बूट्स बना लेता हूँ। ठीक है चलो बूट्स बन गए, चेस्ट प्लेट बन गए, अभी मेरे पास सिर्फ बाकी है तो पहले इनको पहन लेता हूँ। चलो गाइस अभी मेरे सिर्फ लेगिंग्स और भाई हेलमेट बाकी है, बस इनको बनाने के लिए मेरे को फिर से जाना पड़ेगा माइनिंग के लिए। तो गाइस मैं आपको अभी एक ऐसी माइन में लेके जाने वाला हूँ ना, जहाँ पर भाई मेरे को एक तो स्पॉनर भी मिला है और ना काफ़ी तगड़ी माइन है। मैंने वहाँ से रिसोर्स इकट्ठा किए जितने भी मेरे घर बनाने के लिए लगे थे, तो फटाफट से चलते उधर। तो गाइस मैं माइन के इधर आ चुका हूँ, मतलब माइन एक टाइप से बहुत बड़ा केव है। तो केव के सामने आपको जाते ना एक तो स्पाइडर का स्पॉनर मिलेगा, शायद तक स्पाइडर स्पॉनर ही मैंने अच्छे से देखा नहीं था। उससे पहले मेरे पास गाइस टॉर्च नहीं है, और यहाँ से दो ज़ॉम्बी आ रहे हैं। ये रहा कोल, फटाफट से मैं कोल थोड़ा सा माइन कर रहा था क्योंकि मेरे को भी टॉर्च बनानी, क्योंकि मेरे को स्पॉनर बंद करना पड़ेगा। और भाई अरे यार हट जा, मैं धूप में बाहर चला जाता हूँ क्योंकि धूप में इनको डैमेज पड़ेगा तो बाहर आएगी नहीं। चलो यार शांति से बनाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, इसको रखता हूँ इधर और थोड़ा। अरे भाई ये फिर से आ गई, ये ले भाई, भाई जला डाला मेरे को यार। एक तो मेरे को मॉब से ना पता नहीं क्यों मेरे को ज़्यादा डर लगता है, ये ले मर गए। चलो कोई नहीं, रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, फटाफट से बनाता हूँ थोड़ी सी टॉर्चेस। ये बन गई 5 टॉर्चेस की, एक मेरे पास थी, इनको रखता हूँ हाथ में भाई पहले। उससे पहले आ जाए मैं क्राफ्टिंग टेबल ले लूँ। चलो भाई क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट कर लिया, फटाफट से जाता हूँ। और घर से वो सामने स्पॉनर है यार, पता नहीं किस चीज़ का स्पॉनर, पहले मैं पहले बंद करा। अरे भाई नहीं भाई, अंदर स्केलेटन है। नहीं नहीं भाई भाई, तो इतने भाई बहुत डैमेज देता है, मेरे को इनके हाथों से मरना नहीं है। आज कुछ भी हो जाए गाइस, मेरे को ना एक भी मॉब से मरना नहीं है, पहले दिन में किसी से नहीं मरने आता हूँ। मैं थोड़ा बाहर चला जाता हूँ। अरे भाई बाहर आ, इसको बाहर में लपेटता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक्स पड़ी हुई है ना, ये ले भाई, ये ले मर, तू भी मर भाई, ये ले तू भी मर जा भाई। दिमाग ख़राब कर रखा है इन लोगों ने, पहले मैं हेल्थ मेरी कम हो गई थोड़ी सी। खाना खा लेता हूँ फटाफट से भाई, इस टाइम ना अंदर जाऊँगा फटाफट से, स्पॉनर पे ये लगा दूंगा टॉर्चेस। तो यार अंदर हो रहा स्पॉनर भाई, ये इधर एक स्पाइडर है जो अपने को कुछ नहीं करने वाली है, और भाई यही सही मौका है अंदर जाने का। भाई चलो अंदर, ये रहा स्पॉनर, फटाफट से भाई टॉर्च रख दो, ये रखो इधर भी रखो, इसके ऊपर भी रखो। और चेस्ट में से मेरे को मिल गई एक वाटर बकेट और थोड़े से एक ब्रेड, एक नेम टैग। चलो नेम टैग काम का स्टिंग है, स्टिंग भी ले लेता हूँ, गन पाउडर भी ले लेता हूँ, और ये पंपकिन सीड भी ले लेता हूँ। इसके अंदर से मेरे को मिला एक डायमंड हॉर्स आर्मर, एक आयरन हॉर्स आर्मर, ठीक है कोई नहीं, अपने हॉर्स के लिए काम आएगा। रेड स्टोन वगैरह मिला मेरे को, गोल्ड और एक और नेम टैग मिल गया जो कि काफ़ी अच्छा है, कि मैं कब अभी ये बनाऊंगा अपने लिए हॉर्स वगैरह टेम करूंगा तो मेरे पास एक काम का चीज़ आएगी। तो फटाफट से चलता हूँ आगे। मैं काम करूँ इसको बंद कर दूँ क्या, बंद कर देता हूँ इस तरह से, मैं काम करूँ इसको पूरा ही बंद कर देता हूँ। अरे यार पर मैं इसको बंद क्यों करूँ, मैं भी फिर से आने वाला हूँ, इसमें इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपी फार्म बनाएंगे, इसको बंद नहीं करता, इसे रेन देता हूँ, छोड़ो इसको। मैं भाई टॉर्च नहीं, इसके ऊपर से तो एक टॉर्च ले लेता हूँ क्योंकि मैं भी अंदर जाने वाला हूँ, के अंदर तो काफ़ी अंधेरा होने वाला है। तो यार चलता हूँ, यहाँ से इसका रास्ता इधर से ही गई था। और ये रहा भाई, इधर एक आयरन पड़ा हुआ है, इधर कोर है, और नीचे चलते हैं। और भाई नीचे स्केलेटन है, पता नहीं मेरे को इसको देख के डर क्यों लगता है, पर हाँ लगता है। इधर थोड़ा आयरन पड़ा हुआ है, पहले मैं थोड़ा आयरन ले लूँ। चलो आयरन ले लिया, चलो यार हो गया, चलो लास्ट आयरन था। हाँ चलो लास्ट लिया। अभी फटाक से मैं चलता हूँ नीचे शायद। हाँ भाई यही है, ओके वाले भाई, या भाई तू आ जा पहले, आ जा इधर, आ जा। Surprise! It was at this moment Jackson knew he fucked up. नहीं नहीं, अरे shit shit. Don't you dare call me bot. I am noob. Guys मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, भाई इतने अच्छी माइनिंग के लिए गया था, भाई क्रीपर ने पूरा मूड बिगाड़ दिया भाई। भाई पता नहीं पीछे से क्रीपर कब आया और भाई खेल ख़त्म। और भाई मेरे पास जितना भी आयरन वगैरह था मेरे पास सब चला गया, मैंने थोड़ा सा अपने चेस्ट प्लेट वगैरह भी बनाया था। यार कुछ नहीं है मेरे पास, ये भाई एक आयरन की पिकैक्स है मेरे पास। यार पूरा दिन बिगाड़ गया, पर यार कोई बात नहीं गाइस, मेरा घर बन गया, मेरे को उसकी बहुत खुशी है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अबे साले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, अगर पार्ट टू के लिए एक बार एक कमेंट जरूर से करना, मतलब ये पार्ट्स आएगी आप लोग मना करोगे तो भी डालूंगा मैं तो।
पर गाइस हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई प्लीज़ ज़रूर से एक लाइक करना है, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी मतलब ज़्यादा एडिटिंग की टाइम लगी, क्योंकि मैं एडिटिंग मेरे को इतनी आती नहीं, तो यार अभी तो स्टार्टिंग है मेरे को। हाँ, कुछ कुछ मिस्टेक हुई है मेरे से, मेरे को भी पता है, थोड़ी मेरी वॉइस ओवर अगर अच्छी नहीं लगी रहेगी तो यार प्लीज़ एडजस्ट कर लो, क्योंकि यार मेरे को ना इन सब चीज़ों की आदत ही नहीं, मतलब मैंने कभी इतना सारा वॉइस ओवर दिया नहीं है, तो यार धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगा, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना। और गाइस प्लीज़ वीडियो को ना याद से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे को कमेंट कर देना। तो वैसे मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।